Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, I've said this ample times कि जो जब ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया आए थे तो उनको बहुत प्यार मिला, स्पेशली बाबर आजम. आई थिंक ही वॉज वेरी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इन इंडिया, हैदराबाद स्पेशली. आई थिंक वो लोग हैदराबाद में ही लैंड किए थे एंड बहुत उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली एंड पीपल वर क्रेजी, बाबर बाबर उनका नाम ले रहे थे. एंड ये आज की वीडियो इसलिए मैं इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं, जैसे वीडियो को टाइटल है 20 बाबर आजम रिस्पेक्ट मोमेंट्स इन इंडिया. सो आई एम वेरी श्योर कि इसमें कुछ मोमेंट्स वैसे ज़रूर होंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. एंड मुझे ऐसी वीडियोज़ बड़ी अच्छी लगती हैं कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नज़र आती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नज़र आती है अमंग पीपल. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. आपने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आपने मुझे यहाँ पे फॉलो करना है. व्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट. तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं. दोस्तों, कई सालों से इंडिया पाकिस्तान का आपस में मुकाबला चल रहा है. इन दोनों के मैच में जज्बात ही कुछ और हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बंदा ऐसा है जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इंडिया में लोग उसके बहुत बड़े फैन हैं. जी हाँ गाइस, बाबर आजम. तो चलिए आज आपको हिंदुस्तानी लोगों के कुछ ऐसे ही रिस्पेक्ट मोमेंट्स दिखाएंगे. दोस्तों, सबसे पहले हिंदुस्तानी पुलिस को देखें जो बाबर आजम की फैन है. ये अपनी ड्यूटी छोड़ के बाबर के साथ वीडियो बनाने लग जाएंगे. बाबर आजम को पुलिस भी मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगी. इन पलों को देखकर दुनिया हैरान रह गई. शाहीन अफरीदी से एक पुलिस अधिकारी की प्यार भरी बातचीत. जिन लोगों ने शाहीन और बाबर के बीच दरार पैदा की उन्हें आज देखना चाहिए कि यह वह टीम नहीं है जो अपने लिए लड़ती है. इसी तरह इंडिया में खेले जाने वाले एक मैच के दौरान सारे शायकीन बाबर बाबर की आवाजें लगाना शुरू हो जाते हैं, यानी पूरा इंडिया बाबर आजम के नाम से गूंज उठेगा. क्या बात है, ये तो प्यार है. अब जैसे कि एक भारतीय लड़की को देखें जो बाबर आजम की इतनी बड़ी फैन है कि उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा. बाबर के फैन है या बाबर के बारे में क्या हूँ मैं? तो बहुत बड़ी फैन हूँ. एक्चुअली मैं हूँ इंडिया से, लेकिन दोस्तों यहाँ पे किंग बाबर के सिर्फ ऑटोग्राफ के लिए ये भारतीय लड़की पागल हुए जा रही थी. इसे कहते हैं असली रिस्पेक्ट. अगली वीडियो में इंडियन टीम के बड़े खिलाड़ी शुभमन गिल भी बाबर आजम की तारीफें करेंगे, यानी भारतीय टीम भी हमारे किंग की फैन है. पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी विराट कोहली और बाकी जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी बैटिंग भी देखते हैं. आप समझते हैं कि बाबर आजम को भी इंडियन प्लेयर्स देखते हैं, आप भी देखते हैं उनकी बैटिंग को, कैसा रेट करते हैं बाबर? जी बिल्कुल देखते हैं. आई थिंक ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है किसी भी टीम में, कोई भी अगर प्लेयर अच्छा करा तो सब देखते हैं कि वो क्या रीज़न क्या है उनकी, किस वजह से वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी जो क्या खासियत क्या है, तो वो सब चीज़ें हम भी देखते हैं. और डेफिनेटली ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और हम भी उनको देखते हैं और एडमायर करते हैं. इसी तरह कुलदीप यादव का इंटरव्यू भी देख लें. ये भी कवर ड्राइव के बादशाह बाबर के फैन निकलते हैं. बाबर मुझे बहुत पसंद है बैटिंग उनकी और बहुत कामली बैटिंग करते हैं. आई मीन काफ़ी टाइम रहता है उनको बैटिंग करते टाइम, और जब भी मैंने देखा फास्ट बॉलर बहुत अच्छा खेलते हैं, तब बैकफुट वगैरह बहुत बढ़िया शानदार प्लेयर हैं, तो क्लास है मतलब. अब दोस्तों, ना सिर्फ इंडिया की मेंस टीम पाकिस्तानी किंग की फैन है बल्कि इंडिया की वुमेन टीम भी यहां बाबर आजम की फैन निकल आएगी. अब जैसे कि मुंह पे चमाटा पड़ना इसको कहते हैं, क्योंकि इरफान पठान के शो में आया हुआ एक लड़का पूरे इंडिया के सामने बाबर आजम का फैन निकल आता है. My first player is actually a Pakistani, Babar Azam. Babar Azam. He has been. He's a good player. पठान पेट करता ना गेंद. Why don't Virat Kohli number one?
And Babar Azam number two. Why? He's the best batter in the world. Because Virat Kohli. अगली वीडियो में भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर अपने फेवरेट खिलाड़ियों के नाम बताते बताते दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बाबर का नाम भी ले लेते हैं। क्या बात है? चलिए सर, आपका पाकिस्तान में फेवरेट प्लेयर कौन था? कौन सा? फेवरेट प्लेयर हमेशा इमरान खान, जावेद मियां दाद, कौन और? ज़हीर अब्बास, मेरा करीबी दोस्त है ज़हीर अब्बास। ओके, ज़हीर अब्बास। दोस्तों, ये सारे लोग अपनी जगह, लेकिन किंग वर्सेस किंग की बात की जाए तो विराट कोहली भी हमारे किंग के फैन हैं। जैसे इनकी बाबर के लिए रिस्पेक्ट देखें, ये उन्हें प्यार से अपनी जर्सी गिफ्ट करने ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बार मीडिया के सामने भी ये बाबर की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे। बाबर इज अ वेरी नाइस गाय, आई ऑलवेज हैड गुड कन्वर्सेशंस विद हिम, ही इज मच जूनियर टू मी, सो किनशिप आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट देयर इज रिस्पेक्ट, देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट। He was always keen to learn. I mentioned this before. He spoke to me after our game in 2019 World Cup. फिर एक और जगह पे सवाल पूछे जाने पे ये बाबर आजम की तारीफों की लाइन ही लगा देंगे। बाबर आजम के साथ हमने एक बड़ी अच्छी फोटो देखी। You met him right? तो अभी training के time पे. Met him yesterday. I met Rashid as well. So I saw a lot of regard and respect from him from day one, and that hasn't changed regardless of the fact that you know he's probably the top. Batsman in the world right now across formats, performing so consistently and rightly so, he has amazing talent. लेकिन guys, आपके ख्याल में बाबर आजम क्रिकेट का ऑल टाइम किंग है या विराट कोहली गोट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब जरा हैदराबाद इंडिया का सीन देखें, जहां सारे खिलाड़ियों को छोड़ के आवाम सिर्फ एक ही बंदे को आवाजें लगा रही है, और वो नाम आप भी जानते हैं। अब जैसे कि भारत की तरफ से मिलने वाली इतनी रिस्पेक्ट के बाद बाबर आजम भी इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स, आई एम वेरी श्योर उनको भी अच्छा लगा होगा इतना प्यार मिला। दोस्तों, इंडिया में जितने भी पाकिस्तान के मैच हुए हैं, उन सब में आवाम सिर्फ बाबर आजम को देखने आई थी, क्योंकि पूरा इंडिया ही किंग का फैन है। अगली वीडियो में आप एक फैन की जुबानी खुद ही सुन लें कि भारत की तरफ से बाबर को कितनी इज्जत दी जाती है। मतलब आप किसके लिए आए हैं स्पेसिफिकली? यार ये चीज, इस बंदे का स्पेल दिखने को मिले, इस बंदे की बैटिंग देखने को, आजम की ड्राइव देखने के लिए आए, कवर ड्राइव देखने के लिए। आपका क्या है ऐसा कोई फेवरेट प्लेयर? बाबर आजम। इसी तरह पूरा कोलकाता इसी पाकिस्तानी ब्रांड के लिए पागल हुए जा रहा था, क्योंकि इन्होंने हमारे किंग को बहुत इज्जत दी है। बाबर आजम को मिलने वाली इस रिस्पेक्ट के लिए क्रिकेट के शायकीन वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय बच्चे का बाबर आजम से प्यार देखें, और इसी प्यार के बदले बाबर उसे गले ही लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के बादशाह बाबर आजम के कुछ ऐसे भारतीय फैंस जो बाबर आजम को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो अगर आप भी बाबर आजम के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया आई थी, तो तभी मैंने बोला था कि उनको बहुत प्यार फील हुआ होगा, और उनको जो कई बार ऐसे गिले रह जाते हैं ना कि नहीं, हमें इंडिया की तरफ से वो चीज़ नहीं नज़र आती, बट आई एम वेरी श्योर कि इंडियन ऑडियंस ने, इंडियन व्यूअर्स ने उनको बहुत अच्छे से ग्रीट किया, एंड
पागल फैन है यहाँ पे भी लोग बाबर आजम के एंड ऑल मेंबर्स के भी ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम. तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे हम रिस्पेक्टफुल मोमेंट्स देखते हैं दोनों तरफ से, कि दोनों तरफ यू नो देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड लव, जेन्युइन लव फॉर ईच अदर. तो ऐसी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. सो गाइज, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. अभी कॉमेंट कर दो. दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइज.